This video is only for education and knowledge purpose. Any investment or trading decisions made based on the information provided on this channel are done so at your own risk. आज एक और ऑर्डर मिल चुका है RVNL को. अगर आप देखेंगे दो दिन से लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. ऐसा मैं नहीं, जी बिजनेस बोल रहा है. जी बिजनेस की वेबसाइट पे मैं हूँ और यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न देने वाली मशीन है ये स्टॉक. ठीक है, 6 महीने में 160% का उछाल आया है. तो न्यूज़ क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा, इस बीच कंपनी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इनको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 246 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला है. तो इस न्यूज़ के चलते क्या हमें बाय करना चाहिए स्टॉक को या फिर अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा. चार्ट और न्यूज़ दोनों को समराइज करके, कंबाइन करके मैं आपको समझाऊंगा कि आगे किस तरह से हम लोग को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. और बाद में आपको पता है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से तो बाय कर ही सकते हैं या डिसीजन ले ही सकते हैं बाय सेल करने का. अगर आप देखेंगे यहाँ पे और भी डिटेल में लिखा हुआ, प्रॉफिट बुकिंग के बीच स्मॉल कैप रेलवे स्टॉक RVNL को एक और ऑर्डर मिला है और इसमें 245 करोड़ का ऑर्डर है. इस खबर के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत बुक किया जा रहा है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किया जा रहा है. दोपहर में करीब 2% की गिरावट के साथ 167 रुपये पे कारोबार कर रहा था. मंगलवार की बिकवाली में यह शेयर 11% टूटकर बंद हुआ था. मतलब कल के दिन बात की जा रही है तो कल के दिन 11% यहाँ पे गिरा था और 12 सितंबर को स्मॉल कैप मिड कैप शेयर में ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी. तो बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी, आपने खुद देखा था. मार्केट उतना भी ज़्यादा नहीं गिरा, अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को तो एकदम बड़े प्लेयर्स ने तोड़ के रख दिया. कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके सीढ़ी चल रही थी, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और जब गिरा तो पूरा एक बार में पूरा का पूरा प्रॉफिट ही खा गया. इस तरह से मार्केट चलता है. हमेशा जो सेलिंग होती है वो फास्ट होती है बाइंग की तुलना में. मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको ये समझाया हुआ है. और भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शॉर्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल शॉर्ट्स मैंने बना के रखे हैं. चलिए चार्ट पे चलते हैं हम लोग. और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. किस बात की आप देर कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत नॉलेजेबल कंटेंट मिलेंगे. हर चीज़ मैं आपको लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ. और अगर आप देखेंगे इसमें पिछले दिन कितनी ज़्यादा गिरावट हुई थी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट 10.5% की गिरावट हुई थी. और कह सकते प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका पूरी तरह से असर खत्म हो गया. 16% जो स्टॉक बढ़ा था अगले दिन 10% गिरावट के साथ बंद हुआ. और कह सकते हैं पूरा जहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे जहाँ ब्रेकआउट दिया था 163 के आसपास, उसी के आसपास फिर से ये आ चुका है, 166 के आसपास आ चुका है. क्या न्यूज़ का इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा या नहीं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली है वो शुरू कहाँ से हुई है. सबसे पहले देखिए जो तेज़ी आई है, बेसिकली जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से हुई है. यहाँ से देख सकते हैं अच्छा मूव आया, कंसोलिडेशन अच्छे खासा, फिर यहाँ पर मूव आया, फिर कंसोलिडेशन, फिर अच्छा खासा मूव. अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, कंसोलिडेट कर जाए या फिर से एक बार ब्रेकआउट देके फिर कंसोलिडेट कर जाए. बहुत ज़्यादा आप इसमें एक्सपेक्ट मत करिएगा कि स्टॉक फिर से भागने लगेगा, ऐसा नहीं है. बहुत रिटर्न दे चुका है अभी तक, ठीक है, लेकिन मार्केट है, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ तक चला जाए कहाँ तक ना जाए, कुछ भी कोई भी नहीं बता सकता. लेकिन हाँ, जिस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं, अगर वो ज़्यादा सही निकल रही है, ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रही है, तो उससे अच्छी कोई बात हम लोग के लिए हो नहीं सकती है. तो देखते हैं, जब भी एक फास्ट मोमेंटम देता है स्टॉक, कंसोलिडेशन इसमें आ जाता है. तो मेरा कहने मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अब आगे मोमेंटम आ नहीं सकता, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि प्राइस ने बार बार क्या दिखाया है कि जब जब मोमेंटम अच्छा आया है उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है. तो इट मे बी हैपन इसमें कंसोलिडेशन आ जाए आगे 6-7 महीनों में, ऐसा हो सकता है कि आ जाए. लेकिन अगर यहीं पर जल्दी से जल्दी अगर ये स्टॉक 200 के ऊपर चला जाता है तो समझ जाइए कि फिर से ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है 225-250 के आसपास, फिर वहाँ कंसोलिडेशन दिखाएगा. कंडीशन मैंने सब आपको बता दी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. आइदर ये अभी कंसोलिडेट कर जाएगा, ठीक है, अभी ये कंसोलिडेट कर जाएगा 5-6 महीने के लिए, या फिर अगर अभी कंसोलिडेट नहीं किया तो बहुत जल्द यहाँ से ब्रेकआउट दे करके वापस से 225-250 के आसपास चला जाएगा. 225-250 का टारगेट आपको कब देखने मिलेगा, जब बहुत जल्दी ये 200 ब्रेक कर देगा, मतलब कि इसी महीने कर दे या फिर 15 दिनों में कर दे, तो हम मान लेंगे कि हाँ ये ब्रेकआउट जो है ये सही है और 225-250 का लेवल ये डिज़र्व करता है. लेकिन अगर क्या हुआ कि यहाँ पे वेट कर गया, मतलब कि एक महीने रुक गया, समझ जाइए कि और इसमें कंसोलिडेशन आ सकता है. क्योंकि अभी तक प्राइस ने यही चीज़ दिखाई ना, प्राइस जब जब ऊपर गया तब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पे गया कंसोलिडेशन, यहाँ पे गया कंसोलिडेशन, यहाँ पे गया कंसोलिडेशन, हो सकता है. तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर चीज़ मैंने आपको बताने की प्रयास किया है. आपको क्या करना है आप अपने नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करिए. मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.